हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमिरेट्स D20 लीग 2022 के फिफ्थ और सिक्स मैच के बारे में। इसका फिफ्थ मैच अजमान वर्सेस एमिरेट्स ब्लू के बीच है और इस मैच को आप आज शाम के 6:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स, फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। और ये दोनों मैचेस दुबई के ICC एकेडमी में खेले जाने वाले हैं। पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 30°C रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर अजमान के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो एक मैच में जीत हुई है, 4 मैचेस में हार हुई है। वहीं एमिरेट्स ब्लू के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 3 मैचेस में जीत हुई है, 2 मैचेस में हार हुई है। और अगर प्रीवियस ईयर के हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो इन दोनों टीम्स के बीच इससे पहले 2 बार मैचेस हुए हैं, जिसमें एक बार अजमान की जीत हुई है, एक बार एमिरेट्स ब्लू की जीत हुई है। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे एमिरेट्स D20 लीग 2022 के इस फिफ्थ मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार एमिरेट्स ब्लू के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इसके सिक्स्थ मैच के बारे में, जो कि फुजैरा वर्सेस अबू धाबी के बीच है और इस मैच को आप आज रात के 10:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स, फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल पे फुजैरा फर्स्ट पोजीशन पे 2 पॉइंट्स के साथ हैं, 1 मैच खेले हैं और उसमें जीत हुई है। वहीं अबू धाबी पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे 2 पॉइंट्स के साथ हैं, 1 मैच खेले हैं और उसमें जीत हुई है। दोनों ही टीम अपना पिछला मैच जीती है फ्रेंड्स। अब अगर फुजैरा के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो 4 मैचेस में जीत हुई है, 1 मैच में हार हुई है। वहीं अबू धाबी के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 1 मैच में जीत हुई है, 4 मैचेस में हार हुई है। और अगर प्रीवियस ईयर के हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो इन दोनों टीम्स के बीच इससे पहले 2 बार मैचेस हुए हैं, दोनों ही बार फुजैरा की जीत हुई है। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे एमिरेट्स D20 लीग 2022 के सिक्स्थ मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार फुजैरा के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इन दोनों मैचेस को लेकर? आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।